Assalamu alaikum. मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर आज एक बड़ी खबर आई है हमारे पास कि उमर अकमल जिन्होंने थोड़ा सा एक इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया था अपने फिटनेस के इंस्ट्रक्टर के साथ, तो उनको एक वार्निंग के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने छोड़ दिया है. तो इस वाक्य के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? वाक्य के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, थोड़ा सेंसर करके बता देता हूँ कि वो फिटनेस टेस्ट उनका हो रहा था तो उनको शायद ट्रेनर वगैरह ने कहा कि मोटे हो गए हो आप, तो उन्होंने गुस्से में आके कहा है चर्बी, कहाँ है चर्बी, और फिर बस छोड़ें आप, कैंसर कर देता हूँ मैं इसको. लेकिन बात ये, मैंने आपके शो में ही पहले ये बात बोली थी इसी शो में कि उमर अकमल एक ऐसे इंसान हैं जिनको आप 100 साल के लिए उनके ऊपर बैन लगा दें, 100 साल का बैन ख़त्म होगा पहले दिन ही आएंगे, वो कुछ और ऐसी हरकत कर देंगे कि उनको फिर बैन लगा दिया जाएगा. तो अभी भी इत्तलात पहले यही सामने आ रही थी कि उनको शायद कोई पाबंदी लगाई जाए उनके ऊपर या कुछ हो, लेकिन बड़े ही सस्ते में छूट गए. वो कुछ भी नहीं किया पीसीबी ने, असल में उनके ताल्लुकात भी बहुत है. यकीनन वो जो कमेटी है उसको कहलवा दिया होगा किसी से कि भाई ज़रा हल्का हाथ रखना. दूसरी चीज़ ये कि अब ऐसा महसूस होता है कि उनका करियर जो है ख़त्म हो चुका है और वो शायद पाकिस्तानी टीम में ना आए. वैसे पाकिस्तानी टीम में कुछ पता नहीं होता, वहाँ पे तो किसी रिटायर प्लेयर को भी ले आते हैं, लेकिन गालिबन ज़्यादा इम्कान ये कि नहीं आए. तो इस वजह से पीसीबी ने कहा होगा चलो अब क्या इसके ऊपर पाबंदी लगाएं. पीएसएल भी आ रही है अभी, अगर पाबंदी लगा देते उनके ऊपर या कुछ कर देते तो ज़ाहिर है कि एक अट्रैक्शन तो है उमर अकमल जैसे भी हैं प्लेयर तो हैं, इस पीएसएल में तो परफॉर्म कर सकते हैं वो. तो शायद इन्हीं वजूहात की वजह से वो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन जो हरकत उनकी थी उसके उसमें उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था कोई. और जब आप ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो ज़ीरो टॉलरेंस मीन ज़ीरो टॉलरेंस, उसमें आपको ये नहीं करना चाहिए कि भाई किसी प्लेयर के साथ कुछ और, किसी प्लेयर के साथ कुछ और. बिल्कुल सर, आप पहले भी अहमद शहजाद की भी बात कर चुके हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में एटीट्यूड प्रॉब्लम के ऊपर. एक बुरा आगे रोल मॉडल नहीं बनते ये आगे यंगस्टर्स के लिए, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं और उस पर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा तो आगे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और प्लेयर्स यही एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमें तो लेट ऑफ कर दिया जाएगा वार्निंग के साथ ही. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. जहाँ तक अहमद शहजाद की आपने बात की तो मुझे अहमद शहजाद के बारे में लोग कहते थे कि बहुत चेंज हो गया वो, पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो गया. मैं नहीं मानता था. सरफराज ने भी मुझसे ये बात बोली, नदीम उमर जो क्वेटा के ओनर है उनसे भी एक दफ़ा बात हुई, उन्होंने भी यही कहा. उनके जो मैनेजर हैं आज़म खान, उन्होंने भी यही कहा. लेकिन फिर अब मुतबातर मुझे ऐसी बातें सुनने को मिलने में आ रही हैं कि वो काफ़ी चेंज हुए. तो मैंने खुद भी थोड़ा सा देखा, उनके टीम मेट से भी मेरी बात हुई तो उनमें फ़र्क आया है. एज अ पर्सन उन्होंने अपने आप को कोशिश की है कि वो थोड़ा चेंज करें, लेकिन मसला ये हुआ कि जब वो खुद चेंज हुए और उनको फिर टीम में भी वापस लिया गया तो वो परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि परफॉर्मेंस भी तो ज़रूरी है. बिल्कुल, आप अच्छे इंसान हो इसके साथ साथ अच्छा प्लेयर होना भी ज़रूरी है. तो अहमद शहजाद अच्छे प्लेयर हैं लेकिन उनकी फॉर्म शायद अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से, लेकिन अब उनके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है पीएसएल में वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे. अब बात दूसरी आपकी आती है रोल मॉडल वाली, वाकई ये हकीकत है क्योंकि बच्चे जो हैं वो इन्हीं प्लेयर्स को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनसे जो हरकतें देखते हैं. आप देखते हैं कोई हेयर स्टाइल ऐसा है तो वैसे रहे, वो उस तरह चलता है तो वैसे चले. तो इन लोगों को भी इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि दूसरे लोगों के ऊपर अच्छा तासर जाए. इस तरह की चीज़ें जब मीडिया में आती हैं, सामने आती है तो बड़ा बुरा तासर जाता है. ख़ासतौर पर आप देखें सोशल मीडिया पर जो बाहर इंडियन है या दूसरे हैं वो काफ़ी हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि यार इन लोगों के प्लेयर्स जो हैं इनको तो बेसिक चीज़ें नहीं पता, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं. बिल्कुल. तो सर ये तो बात हो गई उन प्लेयर्स की जो बार बार मौका मिल रहा है लेकिन चेंज नहीं हो पा रहे. एक प्लेयर हैं जो बिल्कुल ही चेंज नहीं होते, वो हैं पाकिस्तान के प्रोलिफिक बैट्समैन बाबर आजम, जो सिर्फ एक ऐसी राइज पे हैं कि हर चीज़ उनकी अब पैरों तले है. बैटिंग रैंकिंग में भी वो 5th रैंक पर आ चुके हैं. बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे? बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट को मिलने वाला एक बहुत बड़ा तोहफा है और बहुत अरसे से मैं भी ज़ाहिर क्रिकेट काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कोई इतना बेहतरीन बैट्समैन नज़र नहीं आया पाकिस्तान का जितने बाबर आजम हैं. पहले हुआ करते थे जावेद मियादाद थे, इंजमामुल हक थे, ये उसी क्लास के प्लेयर हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया है. और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कारकर्दगी में तसलसल है. ऐसा नहीं है कि एक बड़ी इनिंग खेली, 4 इनिंग में फ्लॉप हुए, उसके बाद फिर जब आखिरी मैच आया तो फिर रन कर दिए कि टीम में जगह पक्की हो जाए. वो हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान टीम की वो रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं बहुत कम वक्त में. और मेरी तो यही दुआ है कि उसी तरह की अपनी परफॉर्मेंस जारी रखें. और जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, ये कोहली वोहली सबको पीछे छोड़ सकते हैं वो. बिल्कुल. अच्छी चीज़ ये है कि वो जैसे बात मैंने पहले की,
प्लेयर अच्छा होना चाहिए, साथ में इंसान भी अच्छा होना चाहिए, वो दोनों चीज़ें उनमें, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस रखते हैं और वो इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ते। मेरे ख्याल आपने कभी सुना हो कि बाबर आजम ने कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की हो। बिल्कुल, तो बड़े ही कमिटेड क्रिकेटर हैं और अभी तक उनका पूरा फोकस अपने गेम पे है, उसी का उनको सिला मिल रहा है और उम्मीद है कि वो यही परफॉर्मेंस अपनी बरकरार रखेंगे और आप जब वो करियर उनका ख़त्म होगा तो आप देखेंगे वो पाकिस्तान के टॉप फाइव में शामिल हो गए। बिल्कुल सर, अभी भी नाम उनका आना शुरू हो गया है हल्के हल्के उसी लिस्ट के अंदर, जिस तरह सबसे पहले यही था मसला कि टेस्ट के अंदर वो खेल पाते हैं, इतना अच्छा नहीं खेल पाते, ये सवाल भी उन्होंने अब बहुत हद तक दूर कर दिया। बिल्कुल, एक और प्लेयर जो पाकिस्तान में अपना नाम बना रहे हैं अच्छा खासा, वो है नसीम शाह, जिन्होंने अभी रिसेंटली हैट्रिक लेके सबसे यंगेस्ट पाकिस्तानी बन गए टेस्ट क्रिकेट के अंदर हैट्रिक लेने वाले। नसीम शाह के बारे में क्या सोचते हैं? नसीम शाह जब टीम में आए तो ज़ाहिर है हमारा भी ये ख्याल था कि बहुत जल्दी उनको टीम में लेकर आया गया है, लेकिन वकार यूनुस ने उनके ऊपर मेहनत की है, काफ़ी उनकी बॉलिंग में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन साथ में एक चीज़ याद रखने की है कि वकार यूनुस भी जो बॉलिंग कोच हैं, जब उनके कैरियर का आगाज़ हुआ था तो उनका भी बड़ा नाम हुआ था, लेकिन फिर वो एकदम इंजर्ड हो गए। मोहम्मद जाहिद हैं, कई ऐसे और भी बॉलर्स हैं, तो इनका बड़े देखभाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, इनको बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ ज़ाया ना करें। देखिए बांग्लादेश की टीम है, इसके खिलाफ किसी को भी आप खिला दें वो परफॉर्म कर जाएगा, आप इनको एहतियात से इस्तेमाल करें, एक मैच में खिलाया अगले में इनको रेस्ट दें, फिर बड़ी टीमों से आपके मैच हो वहाँ लेकर आए, मतलब देखभाल के आप इनको चलाएंगे ताकि इनका फिर कैरियर लंबा हो। ये नहीं कि दो मैच बांग्लादेश के खिलाफ जितवा दिए, आपको एक आध आपने आगे जीत गए मैच, उसके बाद कोई बैक इंजरी का इनको मसले हैं इस तरह के, फिर उनके बोझ पड़े कमर पे या फिटनेस के मसाइल हो और फिर हम एक अच्छे बॉलर से हाथ धो बैठे। बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनका भी फ्यूचर बड़ा ब्राइट नज़र आता है, लेकिन बात वही आती है कि उनको बड़े देखभाल का इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल सर, यही मिसाल मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी होती है, जफरा आर्चर, उनके पास एक बड़े सेंसेशनल बॉलर आए थे, पूरी दुनिया को उन्होंने हिला के रख दिया था, उसके बाद अब वो भी इंजर हुए हैं, तो इंग्लैंड भी यही सोच रहा है कि हम किस तरह बेटर यूटिलाइज करें। तो सर, MCC की एक टीम आ रही है पाकिस्तान, जो बड़ा एक लैंडमार्क अचीवमेंट समझा जा रहा था, उस MCC के टूर के बारे में बताएंगे हमारे फैंस को? बहुत ज़बरदस्त बात है। देखें अभी तक पाकिस्तान में जो टीमें आई हैं, वेस्ट इंडीज़ आई, श्रीलंका आई, बांग्लादेश आई, तो जो वर्ल्ड 11 भी खेल कर गए, साउथ अफ्रीका के कई प्लेयर्स में थे, साउथ अफ्रीका से भी बातचीत चल रही है। मेन मसला जो हमारे साथ है वो है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया को तो खैर हटा ही दें अपना साथ में। इस तरह की जो टीमें हमें अगर यहाँ पर बुलानी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की MCC की टीम आए या कोई दूसरी टीमें आए, गो के इसमें संगाकारा हैं और उसके रवि बोपारा हैं, बाकी भी इंग्लैंड के भी कुछ खिलाड़ी हैं, ऐसे इतने बड़े बाकी नाम नहीं हैं, लेकिन उनका आना और यहाँ के खेलना और अच्छे मैचेस होना ही पाकिस्तान के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। MCC के लोग आएंगे यहाँ पे, खेल कर जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छी सीरीज़ होगी, वो फिर दुनिया भर में मैसेज जो है ना कन्वे करेंगे कि हमने खुद पाकिस्तान में जाके है ना सिक्योरिटी वगैरह को देखा और बेहतरीन सिक्योरिटी पाकिस्तान फराहम करता है। बाद में फिर हमारे पास ये राहें खुलेंगी कि हम इंग्लैंड को भी यहाँ पे बुलाएं, न्यूजीलैंड को भी बुलाएं, साउथ अफ्रीका से बातचीत चल रही है उसको भी आसानी होगी, तो ये बड़ा फ़ायदा होगा इस टूर का पाकिस्तान को। जी सर, तो अब मैं चलूँगा सर नासिर जमशेद साहब की तरफ, उनको अभी एक सेंटेंस अनाउंस हो गई है उनकी 7 साल, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें बात यह है कि जो हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग हैं जो माजी के फिक्सर्स हैं उनको हीरो बनाया, वो आज भी हीरो बन के घूमते हैं, उसका जो है हम लोग नुकसान उठा रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो नए लड़के आए उन्होंने जब उन पुराने लोगों को देखा कि यार इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हुए थे और वो अब भी हीरो हैं तो हम भी हीरो बन के रहेंगे, थोड़े पैसे कमा लेते हैं, वो गलत चीज़ जो सामने आई, गलत एक लोगों ने लिया, उसके बाद से इस तरह के मुतवातिर केसेस सामने आ रहे हैं। देखिए कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको जेल जाना पड़े, आमिर गए, अब नासिर जमशेद के साथ, दुनिया भर में हमारा नाम इससे ख़राब हो रहा है। वजह यही है कि PCB के ना डबल स्टैंडर्ड है, बड़ा नाम होता है उसको बचा लेते हैं, छोटा नाम होता है उसको सामने ले आते हैं। आप देखें PSL का जो स्पॉट फिक्सिंग केस आया था उसमें भी कितने आराम से प्लेयर्स को बचाया गया, इंग्लैंड में ऐसा नहीं चलता, वो कहते हैं जी जेल भेजो या फिर और भी बड़ी सजाएं देते हैं, जैसे दानिश कनेरिया दुहाइयाँ दे रहे हैं, दानिश कनेरिया उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। तो ज़ीरो टॉलरेंस हकीकी जब तक नहीं होगा ऐसे केस सामने आते रहेंगे। मुझे नासिर जमशेद की वाइफ के ऊपर बड़ा मतलब अफसोस हुआ, मैंने उनकी एक ट्वीट देखी जो उन्होंने किया था कि मतलब फजूल में आप कोई गलती करें और आपकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ता है उसका, ना प्लेयर्स ये ख्याल नहीं करते। जब तक PCB हकीकतन इस तरह नहीं करेगा कि नाम से हट करके भाई ये बड़ा नाम भी है, ठीक है इसने गलत किया तो गलत किया, इसको भी सज़ा होगी, फिर इस तरह के केसेस सामने आएंगे, फिर जो यंगस्टर हैं उनके सामने एक चीज़ आएगी कि यार नहीं फलां भाई ने ऐसा काम किया था
तो वो जो है हम नहीं करेंगे, देखो उनका क्या हाल हुआ। अब ये फला भाई भी तो ये करते थे, वो आज भी हीरो हैं, सब सल्यूट मार रहे हैं उनको, तो ये इस चीज से जो है ना बड़ा खराब मैसेज किया। बिल्कुल सर, मुझे तो वैसे भी पता है आप ये करप्ट प्लेयर्स के वापस आने के बड़े खिलाफ हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं बात ये समझ सकता हूँ कि पीसीबी को एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म रखना चाहिए इन सब के लिए, कि अगर आप ला रहे हो तो मेरे ख्याल से फिर बाकियों को भी उसी तरह का एक लीवे देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं ला रहे तो आपको बिल्कुल नहीं लेकर आना चाहिए। मैं तो और बहुत पास्ट पीछे भी चला गया हूँ वहाँ पे, जो समझने वाले लोग समझ गए होंगे मेरा किनकी तरफ इशारा है। बिल्कुल हाँ, तो लेकिन बात ये है कि देखें, आप खुद मुझे बताएं, आपको बुरा नहीं लगा कि आपके प्लेयर जो है वो जेल जा रहा है? बिल्कुल, हालांकि आप उनको जानते भी नहीं होंगे, कोई एक पाकिस्तानी हो उसके साथ अगर कोई इस तरह की चीज़ हो, हमें अफसोस होता है हम लोग को ये सब कुछ देखे, क्योंकि हम अपने मुल्क की बात करते हैं। जब भी पाकिस्तान से बाहर मैं जाता हूँ, जैसे स्पॉट फिक्सिंग केस जो हुआ था, मैं लंदन में था उन दिनों, छुट्टियों पर था मैं, तो एक दिन मेरे दिल में आया कि मैं चले जाता हूँ रॉयल कोर्ट, तो मैं चला गया वहाँ पर, मैंने देखा कैमरे ही कैमरे बाहर लगे हुए हैं। फिर मैं वो अच्छा इत्तेफाक से उसी दिन है ना केस का फैसला होना था, जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर मोहम्मद आसिफ, सलमान भट्ट, आमिर नहीं थे, ये लोग खड़े ना बातें कर रहे थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ? नहीं भाईजान कुछ भी नहीं किया हमने, साजिश है हमारे खिलाफ, गलत है। मैंने कहा अच्छा। बाद में वो जब मैंने देखा वहाँ पर जो ज्यूरी थी, वो कोर्ट था, उन्होंने उनको जेल भेज दिया, पुलिस की गाड़ी में गए और सारे कैमरे उनकी तरफ थे और लोग हंस रहे थे, गोरे एक दूसरे से पूछ रहे थे क्या हुआ है, और बाहर खड़े हुए हंस रहे थे, वो बातें कर रहे थे। तो यकीन माने मुझे बड़ा दुख हुआ था। लोग कहते हैं सियासतदानों ने भी इतने करोड़ खा लिए, उसने इतने करोड़ खा लिए, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुई यार, कि कामिल चोर है तो मैं भी चोरी करूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है यार। फिर तो ये अच्छा आदमी है तो मैं इसकी तरह अच्छा आदमी क्यों नहीं बनूँ यार, ये भी तो देखो बदकिस्मती से हमारे यहाँ यही बात है। जब हम ये बात करते हैं तो वो इसी तरह कह देते हैं कि फलां भी तो चोर है, इसने किया तो क्या गलत किया, ये सोच बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो अपने व्यूअर्स को बताते चलेंगे, सबसे ज़्यादा जो एक बुरा फील होता है मेरे ख्याल से उन्हीं को होता है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं रह रहे और इंटरनेशनल एक कम्युनिटी से जिनका जान पहचान होती है, उनको एक अलग लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट होती है जब इस तरह के मौके सामने आते हैं। थैंक यू सलीम खालिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। अगर आप कोई सलीम खालिक साहब से खुद सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनको ट्विटर पर रीच कर सकते हैं @SaleemKhaliq. Hope you enjoyed this show. Till next time, Allah Hafiz.